इस वीडियो में हम डीजीपे के बारे में जानेंगे। डीजीपे की मदद से आप आधार की मदद से कैश विथड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी ये सब कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगर आप सीएससी चला रहे हैं तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले डीजीपे को अपने सिस्टम में या फिर फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल है, इसे ओपन करते हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो ये देखिए ओपन हो गया है। यहाँ पे आप अपना सीएससी आईडी यहाँ पे डालिएगा। हमने इसे पहले से डाल के रखा है इसीलिए ये शो कर रहा है। यहाँ पे अपना सीएससी आईडी डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिएगा। यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो चलिए हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है, गेट ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल, हम इसी पे रहने देते हैं। जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी सेंड यहाँ से हो गया है। हम अपना फोन चेक कर लेते हैं, ओटीपी आ गया है। तो चलिए हम ओटीपी फिल कर देते हैं। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे फिर से चेक करना है। उसके बाद ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ध्यान रहे आपके सिस्टम से एक बायोमेट्रिक डिवाइस अटैच रहना चाहिए। हमारे सिस्टम में मंत्रा का डिवाइस अटैच है। तो चलिए हम ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके डिवाइस की लाइट जलेगी। तो चलिए हम अपना थंब दे देते हैं। हमने अपना थंब दे दिया है। यहाँ पे देखिए कैप्चर्ड सक्सेस बता रहा है। तो और ये डीजी पे आपका खुल गया है। यहाँ पे इसे मैक्सिमाइज करेंगे तो डीजी पे का इंटरफेस काफी आसान है, कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे आपका नाम, आपका सीएससी आईडी और आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है वो शो करेगा। इसके बाद एक विथड्रॉ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। आप अपने कस्टमर का बैंक का नाम यहाँ पे डालेंगे, आपके कस्टमर का अकाउंट जिस भी बैंक में है। तो चलिए जैसे मेरे केस में पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, तो चलिए पीएनबी हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे। तो चलिए हम आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर हम डाल लिए हैं। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम मोबाइल नंबर भी फिल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट फिल करना है, जितना भी कस्टमर निकालना चाह रहा है। तो चलिए हम अमाउंट 100 रुपये फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कैन एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके बायोमेट्रिक डिवाइस की लाइट जल जाएगी, आपका कस्टमर उसमें अपना अंगूठा लगाएगा। तो चलिए हम थंब लगवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैप्चर्ड सक्सेस बता रहा है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, कस्टमर का जो है 100 रुपया हमारे वॉलेट में आ गया है। आप अपने कस्टमर को कैश दीजिए और इस सुविधा के बदले आप कुछ चार्ज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। एक मिनट, यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड में जाइएगा तो 183 रुपया 86 पैसे यहाँ पे है। यहाँ पे पासबुक पे जाइएगा, रिफ्रेश कीजिएगा तो आपका 100 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा। देखिए 283 रुपया 86 पैसे। अगला जो ऑप्शन है वो डिपॉजिट का है, हालांकि ये कुछ यूज का नहीं है, आप इससे कुछ भी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मिनी स्टेटमेंट, आप अपने कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिंपल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बैंक सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। उसके बाद कस्टमर का फिर आधार नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए हम आधार नंबर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद स्कैन एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कस्टमर को थंब लगाने बोलेंगे। तो चलिए कस्टमर थंब लगा रहा है। यहाँ पे कैप्चर सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी सक्सेसफुल हो गया है। आप मिनी स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करेंगे, ये आपका मिनी स्टेटमेंट है। यहाँ से देख लीजिए इसे, ये आपका मिनी स्टेटमेंट है। अगला जो ऑप्शन है वो है बैलेंस इंक्वायरी का। इसमें भी सेम आपको वही करना है। सबसे पहले बैंक अपना सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कस्टमर का आधार नंबर यहाँ पे डालिए, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे चेक कीजिए।
उसके बाद यहाँ पे स्कैन एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, लाइट जल जाएगा आपके बायोमेट्रिक डिवाइस का, कस्टमर अपना फिंगर देगा और कैप्चर सक्सेस हो जाएगा और आपको यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है वॉलेट टॉपअप का। आप अपना वॉलेट यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, मिनिमम 500 रुपये रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे, स्कैन एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना थंब वहाँ पे दीजिएगा तो आपके CSC ID में 500 रुपया चला जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है पे आउट का। पे आउट में सबसे पहले यहाँ पे CSC ID आप डालिएगा, उसके बाद वेरीफाई CSC ID पे क्लिक करिएगा। इसके बाद आपके बैंक का नाम यहाँ पे शो कर जाएगा, यहाँ पे आप इसे टिक करिए, अमाउंट यहाँ पे फिक्स कीजिए। चलिए हम 100 रुपीज़ यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद मेथड आपके सामने दो है, IMPS NEFT। चलिए हम फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे एंड स्कैन एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 500 रुपया मिनिमम आपका रहना चाहिए, 100 रुपये ये नहीं ले रहा है और हमारे वॉलेट में अभी 500 रुपया है नहीं, तो हम यहाँ से कर नहीं पाएंगे। मेथड हमने आपको समझा दिया है, आप पैसे यहाँ पे कर पाएंगे, आपके वॉलेट का सारा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है पासबुक का है, यहाँ से आप अपना लेन देन देख पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने DGPay के बारे में जाना है, आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।